धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आगामी 7 से 24 दिसंबर तक 8वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। गीता महोत्सव में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर, वैष्णो देवी गुफा आकर्षण का केंद्र रहेगा। मेला क्षेत्र में गैस के गुब्बारे में बैठकर पर्यटक गीता जयंती समारोह का आनंद ले सकेंगे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज द्वारा संकल्पित 1.25 करोड़ गीता पाठन समारोह के मुख्य आकर्षण रहेंगे। आपको बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आगामी 7 से 24 दिसंबर तक 8वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इस गीता महोत्सव में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर, वैष्णो देवी गुफा आकर्षण का केंद्र तो होगा ही, मेला क्षेत्र में गैस के गुब्बारे में बैठकर पर्यटक हवा में गीता जयंती समारोह का आनंद लेंगे। जबकि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा संकल्पित 1.25 करोड़ गीता पाठन समारोह के मुख्य आकर्षण रहेंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानव सचिव उपेंद्र सिंघल ने मीडिया को बताया कि 7 दिसंबर से सरस क्राफ्ट मेला शुरू होगा। इसके अलावा मुख्य कार्यक्रमों में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आगामी 17 दिसंबर को तीर्थ पूजन महाआरती व हरियाणा असम पवेलियन का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि गीता सेमिनार, संत सम्मेलन, वैश्विक गीता पाठ तथा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा संकल्पित 1.25 करोड़ गीता पाठन समारोह के मुख्य आकर्षक रहेंगे। इस गीता महोत्सव में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर, वैष्णो देवी गुफा आकर्षण का केंद्र होगा। बनाया था हमने चंदन नगर में केदारनाथ मंदिर, तो फिर अब यहाँ पे बनाना आए केदारनाथ। कितने कारीगर लगते हैं? यहाँ पे 15 दिन लगते हैं। 15 दिन में कारीगर 10 कारीगर लगते हैं इसमें बनाने में। तो क्यों केदारनाथ ही क्यों चुना? कोई आइडिया क्यों आया मन में? कोई खास बात? खास बात क्योंकि अभी ये चल रहा है जगह जगह, सब जगह केदारनाथ यात्रा पे भी जाते बहुत सारे, तो इसके वजह से केदारनाथ बनाया गया है। केदारनाथ इसके वजह से लोग देखने आएंगे, दूर से भी आएंगे, तो इसके वजह से केदारनाथ पंजाब में आके बनाया केदारनाथ। तो क्या आइडिया है कि लोग आएंगे देखने के लिए? क्यों नहीं आएंगे, बनाया देखने से बनाया ना, तो फिर आएगी। से टिकट रहेगी? टिकट रहेगी। क्या नाम है? नाम मोहम्मद नईम। तो आप वैष्णो देवी गुफा बना रहे हैं, कितना समय लगता है? कितना समाज में 20 से 25 दिन लगते हैं बनाने में, और इसमें पब्लिक हमारी जो बनाने में लेवल लगती है वो लगती है हमारी 20-25 लेवल लगती है दिन की रोज। और कितना पैसा खर्च भी होता होगा? खर्चा तो इसमें बहुत मोटा आ जाएगा लगाने में। तो कितने लोग देखने आते हैं? पहले कहाँ बनाया था यहाँ? यहाँ पे पहली बार है कुरुक्षेत्र में, पहली बार बनेगा वैष्णो देवी का मंदिर। और पहले मेरठ में बनाया था हमने, मेरठ में काफी पब्लिक देखने के लिए आई थी। सरकारी मेले करते हैं तो यहाँ भी उम्मीद है? उम्मीद है, यहाँ भी जितनी यहाँ पे बताई गई है शादी से ऊपर ही जाएगी पब्लिक। तो आइडिया कैसे आया? क्यों और भी चीज बना सकते थे, क्यों ऐसे चुना? मंदिर है, मंदिर की जगहों पे मंदिर ही अच्छा लगेगा। लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है? भावना भी जुड़ी होती है, बहुत कुछ चीजें हैं। पब्लिक वहाँ पे नहीं जा पाती, टाइम निकाल कर यहाँ पे आ जाती है, देख लेती है देखने के लिए। क्या नाम है?